Good morning, students. How are you? I hope you are good. Okay, class. Start करिए अपना आज का chapter. Okay, continue your second chapter. How our Earth looks. हमारी Earth हमें कैसे दिखाई देती है बच्चों? ये हमने last class में discussion किया था. तो आज हम discussion करेंगे हमारे Earth के 7 continents के बारे में. तो 7 continents कौन से हैं बच्चों? Read the paragraph, page number 219. So, bacho, your first is Asia. Asia is the largest continent. Second, Africa. Third, Europe. What is Europe? Northern America. South America. And sixth is Antarctica. Okay, students, and seventh is Australia. Australia is the smallest continent. So, students, mere saath repeat karo. First is Asia, Africa, Europe, Northern America, South America, Antarctica, and Australia. And Australia is the smallest continent. एंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा बच्चों? हमारा एशिया. अरे वाह, बहुत जोश के साथ बोल रहे हो मेरे साथ. वेरी गुड. नाउ हम बात करते हैं बच्चों डायरेक्शन के बारे में. ऑल मैप्स फ्लो द फोर मेन डायरेक्शन. सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस के बारे में. हमारी फोर डायरेक्शंस होती हैं. देखो, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, फोर डायरेक्शंस ही होती है ना बच्चों. तो स्टार्ट करते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. बोलो मेरे साथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. वेरी गुड. दीज डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, south. The top part of the map is north. A top part pe kaun si hai bachcho? North. And the right side is east. Aapki right kaun si hogi? Right side, right hand dekho, wo side kaun si hogi? East. And the left side is west. Aur hamari left side kaun si hogi? West. These directions help to locate places on the map. ये direction हमें map पे दिखाई देती हैं कि हमारे east में कौन है, west में कौन है, north में कौन है and south में कौन है. Okay बच्चों, the compass is like a watch. अब एक कंपास होता है जिसपे ये चारों डायरेक्शंस मेजर होती हैं. हम कंपास की हेल्प से लाइक हम किसी जंगल में चले जाते हैं, वहां पे हम गुम हो जाते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है बच्चों? देन हमारे कंपास की हेल्प से हम अपनी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं. गॉट इट? तो कंपास आप देख सकते हो लाइक वॉच की तरह होती है बच्चों. पिक्चर बनी हुई है, ठीक है. इट हैज अ नीडल व्हिच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ डायरेक्शन. अब जो कंपास के अंदर लाइक हमारी वॉच होती है, वॉच के अंदर नीडल्स बनी होती है ना जो हमें टाइम बताती है, वैसे ही कंपास के अंदर एक नीडल बनी होती है जो हमेशा नॉर्थ की साइड रिफ्लेक्ट करती है, या बोल सकते हो कि नॉर्थ की साइड डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है. एंड द कंपास हेल्प्स टू नाउ द डायरेक्शन ऑन द मैप. हम कंपास की हेल्प से हमारी डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं. I mean to say that हम अपनी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं. You know? Very good.
स्टेटमेंट को लाउडली बोल के लर्न करोगे एंड अपनी नोटबुक पे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में नीट एंड क्लीन राइट अप करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पेज नंबर 220 कीवर्ड्स देखो बच्चों। फर्स्ट इज अ ग्लोब। ग्लोब क्या बताया था मैंने आपको? ए मॉडल ऑफ द अर्थ। जो हमारे अर्थ का हम मॉडल बनाते हैं लाइक बॉल, तो वो हमारा क्या है? ग्लोब। नेक्स्ट वन इज अ मैप। व्हाट इज मैप बच्चों? आपको पता है, ए ड्रॉइंग ऑफ द होल पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस लाइक दैट। दिस इज योर बुक एंड इस पे जो हम मैप ड्रॉइंग करेंगे वो हमारा मैप होता है। आपने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। एंड लास्ट इज अ एटलस। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। बच्चों एटलस क्या होता है? जो हमारी बुक होती है मैप्स की, दिस इज नोन एज एटलस। यू आर अंडरस्टूड? यू गेट इट? ओके, थैंक यू वेरी